अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ढेरों 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 ईद मुबारक। अल्लाह करे कि आप लोगों की ईद बेहतरीन गुजरी और आने वाले दिन भी बेहतरीन हो। बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरी है। आपको लगता होगा अनिला कोई पकवान दिखाएगी, नहीं बाबा, वैसे व्लॉगिंग मैं करती नहीं हूँ, तो ये मेरे पास वीडियो बनी हुई थी, मैंने कहा इसी के तवसत से आप लोगों को ईद मुबारक कह दिया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। ईद तो गुजर गई, अब बाकी काम भी तो निपटाने होते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं सदर गई थी, वहाँ से मैं कुछ फ्यूजिंग लेके आई थी। एक बहन की क्वेरी भी थी, उसको भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करना है। हालाँकि है तो छोटी सी वीडियो। अच्छा, ये डबल साइडेड फ्यूजिंग है जो गज़ के हिसाब से मिलती है, 40 इंच ये चौड़ी है, तो ये 5 गज़ में लेके आई थी, क्योंकि इसका काम कहीं ना कहीं मेरा निकल ही आता होता है। अभी रिसेंट मैंने आपको दिखाया ऑर्गेन्जा की 2 लेयर्स को मैं ज्वाइन करती हूँ इसके साथ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये वाला थ्रेड वाइट नील वाइट कलर में था और ब्लैक कलर में था, लेकिन मुझे ऑफ वाइट वो नलकी वहाँ पे नज़र आई है। इन 3 थ्रेड्स का काम बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, तो ये हर जगह से अच्छा थ्रेड मिलता भी नहीं है। तो अमूमन वैसे जो कि मशीन की ये वाली नलकियाँ होती हैं, लेकिन हर कलर तो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से फिर ये 3 कलर्स तो मैं इसी में इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद बॉबिन्स हैं ये मेरे पास। ये क्यों मैं लेकर आई हूँ, मैं जब भी जाती हूँ बाज़ार कोई ना कोई ले आती हूँ। एक तो सिल्वर वाली मुझे पसंद आती है, दूसरा ये कि इसके अंदर 2 सुराख हैं, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसमें ये होता है कि थ्रेड आप अंदर से इस तरीके से निकाल के इसे हाथ में पकड़ के जब आप इसे रैप करते हो तो आखिर तक ये टाइटली रैप हो जाती है। मुझे नहीं पता इस सुराख का क्या मकसद है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से डिस्कवर किया। हो सकता है ये मेथड इसी मेथड के लिए हो, लेकिन मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखी हुई, किसी से कुछ इस हिसाब से सीखा भी नहीं हुआ। अगर आपको पता है ना कि इस सुराख का क्या मतलब है तो बता दीजिएगा। लेकिन मैं तो यूँ इस तरह रैप करती हूँ थोड़ा सा हाथ से, और फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसकी टेल कटिंग कर दिया करती हूँ, और बाकी मैं मशीन के ऊपर इसे रैप कर लिया करती हूँ। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मैं 2-4 बॉबिन्स भर के रख लिया करती हूँ, क्योंकि सब तो ज़्यादा वक्त उदो ही पैदा है, जो कम थोड़ा रह जाता है तो फिर की मुक जाती है कैसा। अच्छा, ये इस तरह की पहले मेरे पास थी जो कि मैंने जुबली मार्केट से ली हुई थी, जुबली मार्केट की बैक साइड पे जो मशीन वालों की शॉप से, लेकिन वो भी चलती हैं ये भी चलती हैं। बहरहाल जी, इसके बाद ये वाइट कलर के चौक टूट जाते हैं वीडियो में करते करते, ये एक टूट भी गया, बड़ा डेलिकेट सा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी कास्ट छोड़ता है। और वाइट मेरे पास था भी नहीं, मैं हमेशा जाती हूँ पूछती हूँ, तो वो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का ला दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे यही कहा कि बच्चे अब यही ले जाओ, यही है। ब्लैक कलर के ऊपर ये देखिए कितना ज़बरदस्त कास्ट देता है। अच्छा, वाइट वाइट के ऊपर भी चल जाता है, मैंने कुछ टेलर्स को देखा वाइट कलर के कपड़ों पर ब्लू रेड येलो चौक नहीं चलाते हैं, वो वाइट ही चलाते हैं। इसके अलावा ये वाला मैंने सेपरेटर बॉक्स ला के रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इसके अपनी मशीन के कुछ फुट रखे हुए हैं, फिर इसके अलावा चॉक्स रखे हुए हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें। और देखो मैंने चाकों को क्या माशाल्लाह मेरी वो है, चॉक्स को कितनी सिक्योरिटी से रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो बॉबिन्स हैं, ये बॉबिन्स वाला अलहदा से एक खाना है, जब ये भर जाएगा तो फिर इतनी ज़्यादा लाख नहीं अप करनी। अच्छा, मेरे पास जो की मशीन है, जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, वो ये मल्टी स्टिचेज मशीन नहीं, अक्सर बहनों को शायद यही कन्फ्यूजन रहता है, चौक कुछ ज़्यादा ही हाथों पे लग गया है। अच्छा, ये मेरे पास देखें कितनी सारी मैंने हाथ से सीने वाली जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, नीडल्स, हाय अल्लाह कैसी मेरी जहनीत हो गई, इसको मैंने इसके अंदर ही रखा हुआ है। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर रखने का एक फ़ायदा ये हो गया है, एयर टाइट है, इसके अंदर हवा पास नहीं होती तो जंग नहीं लगता चीज़ों को। इसके अलावा मेरे पास ये नीडल्स हैं मेरी मशीन की, जो जोकी की हैं, एक देखें पूरा खाली कर दिया, लेकिन ये 16 नंबर की सुई की मशीनें थी। इसके अलावा आपको एक DB और एक DC करके कुछ नज़र आता है, तो कुछ इसके अंदर जोकी की मशीन की हैं, जोकी की मशीन का एक सुई मैंने तोड़ी थी, और इसके अलावा एक तोड़ी थी, दूसरी लगी हुई ऑब्वियसली। और यहाँ से ये वाला जो है ना मेरे पास 14 नंबर वाली जो ऑर्गेन्जा या शिफॉन को स्टिच करने वाली हैं, वो इसके अंदर हैं। बेसिकली आज की वीडियो मैंने बनाई है बुकरम के हवाले से। एक बहन का सवाल आया था मेरे पास कि आप कौन सी ब्रांड की नेकलाइन बुकरम इस्तेमाल करती हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया, उन्हें शायद मेरा जवाब समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया। फिर मैं शॉप पर गई, मैंने कहा इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है इनको कि कौन सी ब्रांड का बुकरम, तो मैंने शॉप वाले भाई से पूछा, वो कहते हैं ब्रांड्स के हवाले से नहीं आता, थिकनेस के हवाले से आता है, यानी कि आप जेंट्स की बुकरम मेड इन ताइवान, मेड इन जर्मनी, मेड इन पाकिस्तान, ये कह के ले सकते हैं। और अब ये नहीं कह सकते कि सना सफीनास का ड्रेस है या फिर अलकरम का ड्रेस है या फिर आइडियाज़ का ड्रेस है, ऐसा नहीं होता। कुछ बातें औरों की भी समझने की, उनको मैंने तब भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से अजीब सा रिएक्शन था। चले आज वो रिएक्शन ख़त्म करते हैं।
यहाँ पे ये दो तरह की फ्यूजिंग। फिर भाई ने मुझसे, अंकल ही हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं आपको कौन सी नेकलाइन के लिए बुकरम चाहिए। मैंने कहा आप यूँ करें, 5 गज जो मीडियम साइज़ या जो थोड़ी सी बारीक है वो दे दो, और 5 गज जो थोड़ी थिक है वो दे दो। अब जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जो बारीक वाली यानी ये वाली, जो आपको इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अगर हम लॉन के ड्रेसेस पे लगाएं ना, या फिर ऐसे ड्रेसेस पे जो कि क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उसमें भी लग सकता है। लेकिन जो नीचे वाली जो बुकरम होगी ना, जो थोड़ी थिक होगी, वो मुझे जहाँ तक समझ में आया, जैसे जामाबार के ड्रेसेस हो गए, जैसे नेट के नीचे हम थोड़ा हार्ड किस्म का अस्तर लगाते हैं वो वाले हो गए, या फिर यहाँ यूँ कहें कि फॉर्मल ड्रेसेस के नीचे हम हैवी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ तक मेरी ओपिनियन गई है। मैं ये समझती हूँ, हो सकता है कि हर बंदा अपने हिसाब से बुकरम इस्तेमाल करता है, या फिर दो ऑप्शंस और हो सकते हैं। आपका कस्टमर आपको कहे कि मुझे ज़्यादा बुकरम मोटी नहीं चाहिए, मुझे गले में चुभती है, तो भी आप तो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है ना। देखिए, हर चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है, हर चीज़ का डिमांड मुख्तलिफ है। जैसे मेरी अम्मी कहती हैं मुझे बुकरम वाले गले ना बना के दिया करो, तो उसमें पतली फ्यूजिंग लगा देती हूँ, बाजूकात में ज़ीरो की फ्यूजिंग भी लगा देती हूँ। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो की फ्यूजिंग नहीं है। आपको दिखाने के लिए इन दोनों को मैंने छोटे छोटे पीसेस की सूरत में लिया है, इसे पेस्ट करके दिखा देती हूँ। इसमें एक डिफरेंस है इसकी कि ये एक ट्रांसपेरेंट है, एक नहीं, एक को इस्तरी करते हुए हीट की ज़्यादा ज़रूरत है, एक को नहीं। और दूसरा ये कि चॉइसेस फिर आपके ऊपर है, आपने इसे कहाँ लगाना। अब मैंने कह दिया कि पतला वाला लॉन के ड्रेसेस पे लगाना है, तो पत्थर पे लकीर नहीं हो गई, मैं भी लॉन पे कभी मोटा वाला फ्यूजिंग इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है, हिम्मत है चिपकाने की, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि जो पतला वाला है वो जल्दी चिपक जाता है, आपकी बिजली के जो होते हैं यूनिट्स उनको भी कम इस्तेमाल करेगा, मोटा वाला ज़्यादा देर में, और मोटा वाला अगर मोटे फैब्रिक पे तो वो जल्दी पेस्ट होगा। ये जहन में रखना, मर्दाना कपड़ों में मर्दाना बुकरम जल्दी से पेस्ट हो जाता है, लेडीज़ बुकरम में, लेडीज़ ड्रेसेस में नहीं पेस्ट होता। लेडीज़ लॉन के कपड़े पतले हैं, पतले कपड़ों पे बुकरम थोड़ी देर में, मोटा बुकरम थोड़ी देर में जाके चिपकता है। तो बस अगर आपने अपनी बचत करनी है तो मीडियम साइज़ वाला इस्तेमाल कर लें, जिसकी थिकनेस वो ट्रांसपेरेंट सीधे साइड वाली है, उल्टे साइड वाली है। तो जे तुसी इस्तरी दे नाल खेडना है तो कहते हो बिल बोते आने आ, तो फिर उरां वाला इस्तेमाल कर लो। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा और मैं क्या क्लियर आप लोगों को बताऊँ, मतलब ब्रांड्स मैं कहाँ से निकाल के ले आऊँ। जब मैंने उनके रैपर्स देखे हैं बड़े बड़े, वो ब्लू कलर के रैपर्स उन्होंने रैप करके रखे होते हैं, कोई ब्रांड नहीं उस पर लिखी, तो मैं कितों ब्रांड काट के ले आता। थिकनेस होती है, जैसे लॉन की थिकनेस होती है, कॉटन की थिकनेस होती है, वैसे होती है। ऐ वेखो हले भी नहीं चिपके, आज लाते रहो ऐसे जोर से चिपकाते रहो। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ पीनी के कारनामे। मेहंदी लगाई हुई थी इसने, मैंने कहा चलें ये ईद के पहले दिन का क्लिप है, और ये पेस्टिंग शेस्टिंग मैंने तब करके आपको दिखा दी थी, और ये देखो कि ईद के पहले दिन का नहीं, पहले मतलब ईद से पहले का, और यहाँ पर मेहंदियाँ लगा के घूम रही। अभी मैं आपको नानों की भी दिखा देती हूँ, ये देखो जी। और मुझे कोई शौक नहीं है, मतलब अजीब सा ही लगता है ना, मुझे बड़े हो गए असी, अब ये बच्चे हैं। जब हम बचपन में थे तो हमारी अम्मी लकीरें भी लगा दिया करती थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोबारा से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।